नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रश्न को सॉल्व करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, यदि √3 = 1.732 तथा √5 = 2.236 हो तो √8 + 2√15 का मान ज्ञात करें। किसका मान उसने हमसे पूछा है, तो यह मान उसने हमसे पूछा है रूट के अंदर 8 + 2√15। ठीक है, इसका मान उसने हमसे पूछा है। तो कैसे लगाएंगे इसको, इसको हम लगाएंगे 8 लिखा है, 8 को हम लिख सकते हैं 5 और 3 को जोड़ के, यानी 5 और 3 मिला के क्या होता है 8, और यहाँ हो जाएगा 2। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 3 = 15 होता है और 5 और 3 को जोड़ दें तो 8 होता है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा है 5। अब 5 का हमें स्क्वायर के रूप में बनाना है, तो हम लिख देंगे रूट के अंदर 5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 लिखा हुआ है तो 3 को लिख देंगे रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ रूट का 3 लिख देंगे और रूट का 5 अलग कर देंगे। दोनों को हमने अलग अलग रूट में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनेगा a² b² + 2ab, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा, a + b² a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू है √3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर हो जाएगा खत्म, यहां से बचेगा √5 और यहां से बचेगा √3। दोनों की वैल्यू हमें दी गई है, √5 की वैल्यू क्या है 2.236, 3 की वैल्यू क्या है 1.732। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 2 मिला के क्या हो जाएगा 8, 3 और 3 मिला के क्या हो जाएगा 6, 7 और 2 मिला के क्या हो जाएगा 9, 2 और 1 मिला के क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, यह हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया इसको सॉल्व करने में, यहां से आपने देखा 8 को हमने 5 + 3 के फॉर्म में लिख दिया, 15 को 3 × 5 के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ a² b² 2ab का फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायर रूट खत्म हो गए, √5 + √3 बचा, दोनों की वैल्यू हमें दी गई थी, दोनों की वैल्यू हमने रख के जोड़ दी और हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।